नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले ईमेल फिशिंग अटैक के बारे में। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक ईमेल फिशिंग अटैक। तो जो ईमेल फिशिंग अटैक है, ये एक फिशिंग अटैक का ही टाइप है। ठीक है, तो फिशिंग अटैक क्या होता है, इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। फिशिंग अटैक क्या होता है, जालसाजी वाला अटैक होता है। तो ईमेल के द्वारा अगर जालसाजी की जाए तो उस अटैक को हम बोलते हैं ईमेल फिशिंग अटैक। क्लियर है बात, इसको समझते हैं अब। एन ईमेल फिशिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर अटैकर सेंड डिसेप्टिव ईमेल्स टू ट्रिक रेसिपेंट्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो एक ईमेल फिशिंग अटैक एक टाइप का साइबर हमला है, जो क्या करता है हमारा, जहां पर जो अटैकर हमलावर होंगे वो क्या करेंगे, डिसिप्टिव ईमेल्स भेजेंगे, धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजेंगे टू ट्रिक रेसिपेंट्स, जो प्राप्त करता है उस ईमेल को, उसको ट्रिक करने के लिए, उसको फंसाने के लिए, इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ताकि वो अपने जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, संवेदनशील जानकारी है, उसको रिवील कर दे, उसको बता दे, सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जैसे कि जो हमारी जानकारी है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, यूजर नेम पासवर्ड है, फाइनेंशियल डिटेल्स है, वित्तीय जानकारी है, पर्सनल डिटेल्स है, व्यक्तिगत जानकारी है, उनको बता दें। ठीक है, तो इस तरीके से ईमेल को भेजा जाएगा कि उस ईमेल को क्लिक करके वो उस ईमेल का पता ना चले कि ये धोखाधड़ी वाली ईमेल है, ये लगे कि भाई ये लेजिटिमेट भरोसेमंद ईमेल है, इसको क्लिक करेगा रिसिपेंट और वो उसके चुरा लेगा इंफॉर्मेशन को। दिस ईमेल ऑफन अपीयर टू बी फ्रॉम लेजिटिमेट सोर्स। तो जो ईमेल है ये कैसी दिखेगी, एक भरोसेमंद सोर्स की दिखेगी, कि भरोसेमंद सोर्स से इसको भेजा गया। ठीक है, सच एज बैंक, जैसे कि बैंक से भेजा गया, किसी बैंक से, या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी से भेजा गया है, या रेपुटेबल कंपनीज के द्वारा भेजा गया है। ये टिपिकली इंक्लूड अर्जेंट रिक्वेस्ट और एंटिसिंग ऑफर टू प्रॉम्प्ट विक्टिम्स टू क्लिक ऑन मलिशियस लिंक्स और डाउनलोड मलिशियस अटैचमेंट्स। तो जो ये ईमेल भेजी जाती है, किसी मतलब किसी का चेहरा बनाकर, एक तरह से कि बैंक के द्वारा भेजी गई है, गवर्नमेंट के द्वारा भेजी गई है, रेपुटेबल कंपनीज के द्वारा, तो ये क्या करती है, अर्जेंसी क्रिएट करती है। इंक्लूड अर्जेंट रिक्वेस्ट, कि भाई तुरंत अर्जेंट है, बिल्कुल अति आवश्यक है, अर्जेंट रिक्वेस्ट भेजती है कि अभी करो ये काम। एंटेसिंग ऑफर्स टू प्रॉम्प्ट, उनके पास क्या भेजती है, एंटेसिंग, एंटेसिंग मतलब क्या, ललचाने वाले ऑफर्स उस मेल में, टू प्रॉम्प्ट विक्टिम्स, ताकि जो विक्टिम है, जो शिकार है, वो प्रॉम्प्ट शीघ्र ही तुरंत क्लिक करे उस लिंक पर, उस मलिशियस लिंक पर, उस हानिकारक लिंक पर जो ईमेल में भेजा गया है, और डाउनलोड मलिशियस अटैचमेंट्स, और या फिर ईमेल में कुछ मलिशियस अटैचमेंट्स लाइक अपनी कोई भी कहते हैं पीडीएफ या फिर कोई वर्ड फाइल, कुछ भी भेजा गया है, उसको कोई सॉफ्टवेयर भेजा गया है, कोई प्रोग्राम भेजा गया है छोटा सा, ठीक है, उसको डाउनलोड कर ले जो अटैचमेंट की गई है हमारी मेल में। क्लियर है, तो ये चीज करेगा अटैकर। अब इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से, ताकि आपको स्टेप क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्या है, ईमेल फिशिंग अटैक का डायग्राम है, चित्र है, ये क्या अटैकर है। क्लियर है, अटैकर क्या करेगा, मेल सेंड करेगा, सेंड कर दी, ये यूजर है। यूजर क्या करेगा, उस मेल में जो लिंक भेजा गया उस लिंक पर क्लिक करेगा, क्लिक करने पर कोई भी वो www.website है, जो भी वेबसाइट है उस लिंक में भेजी गई है, वो जिसके पास भी लिंक आया उसको पता है, ठीक है, हमें नहीं पता उसको, तो उसको क्या करेगा, क्लिक करेगा। फिशिंग वेबसाइट है वो, फिशिंग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो कि लेजिटिमेट वेबसाइट दिखती है, भरोसेमंद वेबसाइट दिखती है, लाइक किसी बैंक की वेबसाइट हो, किसी जो रेपुटेबल कंपनी उसकी वेबसाइट हो, किसी गवर्नमेंट एजेंसी की वेबसाइट हो, लेकिन वो क्या होती है, नकल बनाई होती है ओरिजिनल वेबसाइट की, ठीक है, नकली वेबसाइट होती है धोखा देने के लिए, जालसाजी वाली वेबसाइट होती है। अब इस वेबसाइट पर जो जाएगा यूजर, उसको क्या किया जाएगा, एक तरह से धोखा दिया जाएगा, उसके जो क्रेडेंशियल्स है, उसकी जो जानकारी है, उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, जो भी जानकारी उस वेबसाइट में पुट करेगा, मान लीजिए वो बैंक वाली, वो समझेगा कि बैंक की वेबसाइट है, तो उसमें अपने यूजर नेम पासवर्ड को पुट करेगा, उस क्रेडेंशियल को ये क्या कर लेगा, कलेक्ट कर लेगा अटैकर। क्लियर, इसके पास पहुंच गया। तो ये हमने डायग्राम से समझ लिया, अब इसको समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं अपना ईमेल फिशिंग अटैक का। एक विक्टिम रिसीव एन ईमेल परपेटेडली फ्रॉम देयर बैंक क्लेमिंग दैट देयर अकाउंट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड एंड अर्जिंग देम टू वेरीफाई देयर लॉगिन क्रेडेंशियल बाय क्लिकिंग ऑन लिंक प्रोवाइडेड इन द ईमेल। तो एक विक्टिम, एक शिकार है, मान लीजिए एक बैंक है, जो अटैकर वो एक बैंक के रूप में उसने भेजी ईमेल को, उसने मेल भेजी जिसमें क्या लिखा हुआ है, वो मेल आई है कि बैंक की तरफ से मेल आई है, कथित रूप से एक बैंक की तरह है, कि बिल्कुल जो बैंक की मेल होती है, बैंक जिस तरीके से मेल भेजता है उसी तरीके से भेजी गई है,
जो क्या करेगी कि जो उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल है, जो यूजर को बोलेगी कि उसके बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया, मतलब एक तरह से हैक कर लिया गया है, ठीक है। अर्जिंग देम टू वेरीफाई देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उसको क्या करेगा, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देगा उस यूजर को कि उसको बोलेगा कि अर्जिंग तुरंत शीघ्र ही वेरीफाई करो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स को बाय क्लिकिंग ऑन लिंक, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है ईमेल में उस लिंक पर क्लिक करो और जल्दी से अपनी जो अकाउंट की डिटेल्स है उसको वेरीफाई करो, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया जाएगा, उसको वापस नहीं लाया जाएगा, ठीक है, उसके जो आपके पैसे वगैरह सबको निकाल लिए जाएंगे इस तरीके से कुछ। तो अनअवेयर दैट इट इज अ फिशिंग अटैक, द विक्टिम क्लिक्स द लिंक एंड डायरेक्टली टू अ फेक वेबसाइट दैट क्लोजली रिसेंबल्स द वेबसाइट लेजिटिमेट वेबसाइट। तो इस सबसे अनअवेयर, इस सबसे अनजाना जो हमारा शिकार होता है, सबसे जो हमारा यूजर होता है, इस सब जो फिशिंग अटैक से अनजान जो हमारा शिकार होता है क्या कर रहा है, लिंक पर क्लिक करेगा और उस लिंक पर क्लिक करने से वो एक फेक वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है, एक फेक वेबसाइट पर चला जाएगा जो कि क्लोजली रिसेंबल्स होगी, जो कि बिल्कुल दिखेगी बैंक की लेजिटिमेट वेबसाइट की तरह, एक भरोसेमंद विश्वसनीय वेबसाइट की तरह दिखेगी। द विक्टिम देन एंटर्स देयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, फिर विक्टिम जो अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है जानकारी उसको उसमें पुट करेगा, एंटर करेगा, विच आर कैप्चर्ड बाय अटैकर्स एंड यूज्ड टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट, जो कि अटैकर्स जो हमलावर है उनके द्वारा कैप्चर कर ली जाएगी, पकड़ ली जाएगी, कलेक्ट कर ली जाएगी और कैरी आउट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन, और फ्रॉडलेंट जो धोखाधड़ी वाले ट्रांजेक्शन है उसको करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ ईमेल फिशिंग एक्सप्लॉइट ट्रस्ट एंड अर्जेंसी टू डिसीव इंडिविजुअल इनटू डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये हमें दर्शाता है कि कैसे एक डेमोन्स्ट्रेट करता है, दर्शाता है कैसे एक ईमेल फिशिंग अटैक है, जो ईमेल का जो जालसाजी वाला अटैक है वो एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट मतलब फायदा उठाता है ट्रस्ट का, भरोसे का फायदा उठाता है, एंड अर्जेंसी टू डिसीव इंडिविजुअल, और अर्जेंसी क्रिएट कर देता है, शीघ्रता क्रिएट कर देता है टू डिसीव, धोखा देने के लिए इंडिविजुअल्स को, व्यक्तियों को, इनटू डिस्क्लोजिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ताकि वो तुरंत से तुरंत अपनी जो सेंसिटिव संवेदनशील जानकारी है, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उनको डिस्क्लोज कर दे, उनका खुलासा कर दे, उनको बता दे, क्लियर है। इस तरीके से वो एक सिनेरियो बना देते हैं कि अभी कर दे अर्जेंट, ठीक है। तो उसमें यूजर है जो समझ नहीं पाता है, वो एक हीट मूवमेंट होता है जहां पर उसको पता नहीं चलता कि फेक वेबसाइट था, फेक अटैक करता, ठीक है, बाद में पता चलता है जब सब कुछ हो चुका होता है, लेकिन तब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ईमेल फिशिंग अटैक था। ईमेल फिशिंग अटैक क्या होता है, क्या उसका डायग्राम है, कैसे वर्क करता है, क्या स्टेप होते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हमने सब कुछ समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि ईमेल फिशिंग अटैक क्या होता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करें तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।